कला के क्षेत्र में कड़ी मेहनत और लगन से विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक के रूप में पहचान बनाने वाले गुरुदत्त। साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी और संगीत की उन्हें अच्छी समझ थी, जिसकी झलक उनकी सभी फिल्मों में दिखाई देती है। हिंदी फिल्म जगत में गुरुदत्त 1944 से लेकर 1964 तक सक्रिय रहे। इस दौरान उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में बनाई, जैसे प्यासा, कागज के फूल, साहेब बीवी और गुलाम और चौदहवीं का चांद। गुरुदत्त की ज्यादातर फिल्में काव्यात्मक और कलात्मक होती थी। कुछ फिल्मों में उन्होंने खुद अभिनय भी किया, जबकि कुछ का केवल निर्देशन किया। गुरुदत्त अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं होते थे। उन्होंने कई फिल्में बनाई जो बहुत अच्छी बनी, काफी मशहूर भी हुए, लेकिन इससे ज्यादा करने की चाहत उनमें हमेशा बनी रही। गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे था। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ। गुरुदत्त ने अपने बचपन के प्रारंभिक दिन कोलकाता के भवानीपुर इलाके में गुजारे, जिसका उन पर बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। उन पर बंगाली संस्कृति की इतनी गहरी छाप पड़ी कि उन्होंने अपने बचपन का नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे से बदलकर गुरुदत्त रख लिया। गुरुदत्त की दादी नित्य शाम को दिया जलाकर आरती करती और 14 वर्षीय गुरुदत्त दिए की रोशनी में दीवार पर अपनी उंगलियों की विभिन्न मुद्राओं से तरह तरह के चित्र बनाते रहते। यहीं से उनके मन में कला के प्रति संस्कार जागृत हुए। गुरुदत्त जब 16 साल के थे, तभी उन्होंने 1941 में पूरे 5 साल के लिए 75 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति पर अल्मोड़ा जाकर पंडित रविशंकर के अग्रज उदय शंकर के इंडिया कल्चर सेंटर में नृत्य, नाटक और संगीत की तालीम लेनी शुरू की। 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण सेंटर बंद हो गया, तब गुरुदत्त वापस अपने घर लौट आए। हालांकि पैसों की तंगी की वजह से वो स्कूल जाकर अध्ययन तो न कर सके, परंतु उदय शंकर की संगत में रहकर कला और संगीत के कई गुण उन्होंने अवश्य सीख लिए। यही गुण आगे चलकर कलात्मक फिल्मों के निर्माण में उनके लिए सहायक सिद्ध हुए। गुरुदत्त ने कुछ समय कोलकाता जाकर लीवर ब्रदर्स फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, लेकिन जल्द ही वे वहां से इस्तीफा देकर 1944 में अपने माता पिता के पास बंबई लौट आए। उनके चाचा ने उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी पूना में 3 साल के अनुबंध के तहत फिल्म में काम करने के लिए भेज दिया। वहीं पर सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता वी शांताराम ने कला मंदिर के नाम से अपना स्टूडियो खोल रखा था। यहीं पर रहते हुए गुरुदत्त की मुलाकात फिल्म अभिनेता रहमान और देवानंद से हुई, जो आगे चलकर उनके बहुत अच्छे मित्र बन गए। गुरुदत्त ने पूना में सबसे पहले 1944 में चांद नामक फिल्म में श्री कृष्ण की एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। 1945 में अभिनय के साथ ही फिल्म निर्देशक विश्राम बेडेकर के सहायक का काम भी वो देखने लगे। 1946 में उन्होंने पीएल संतोषी की फिल्म हम एक हैं के लिए नृत्य निर्देशन का काम भी किया। गुरुदत्त को प्रभात फिल्म कंपनी ने बतौर एक कोरियोग्राफर उन्हें काम पर रखा था, लेकिन वहां रहते हुए उन्होंने एक अभिनेता और सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया। ये अनुबंध 1947 में खत्म हो गया। उसके बाद एक और नौकरी की उन्होंने, वो भी छूट गई। लगभग 10 महीने तक गुरुदत्त बेरोजगारी की हालत में माटुंगा मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते रहे। इसी दौरान उन्होंने अंग्रेजी में लिखने की क्षमता विकसित की और इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया नामक एक स्थानीय अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका के लिए लघु कथाएं लिखने लगे। संघर्ष के इन्हीं दिनों में उन्होंने माटुंगा में अपने घर पर रहते हुए आत्मकथात्मक शैली में प्यासा फिल्म की पटकथा लिखी। मूल रूप से ये पटकथा कश्मकश के नाम से लिखी गई थी। बाद में इसी पटकथा को उन्होंने प्यासा के नाम में बदल दिया। यही वो समय था जब गुरुदत्त ने 2 बार शादी की। पहली बार विजया नाम की लड़की से शादी की, जिसे वो पूना से लाए थे, लेकिन बाद में वो चली गई। तो दूसरी बार अपने माता पिता के कहने पर अपने ही रिश्ते की एक भांजी सुवर्णा से शादी की, जो
हैदराबाद की रहने वाली थी। देवानंद ने गुरुदत्त को अपनी नई कंपनी नवकेतन में एक निर्देशक के रूप में अवसर दिया था। इस प्रकार नवकेतन के बैनर पर बनी गुरुदत्त द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी बाजी, जो 1951 में प्रदर्शित हुई। गुरुदत्त की देवानंद से पहली मुलाकात पुणे के प्रभात स्टूडियो में बड़े ही नाटकीय ढंग से हुई थी। हुआ यूं कि दोनों के कपड़े एक ही धोबी के यहाँ धुला करते थे। एक बार धोबी ने गलती से गुरुदत्त की कमीज देवानंद के यहाँ और उनकी कमीज गुरुदत्त के यहाँ पहुँचा दी। मजे की बात ये कि दोनों ने वो कमीज पहन भी ली। जब देवानंद स्टूडियो में घुस रहे थे, तभी गुरुदत्त ने उनसे हाथ मिलाकर स्वागत किया और अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं निर्देशक बेडेकर का असिस्टेंट हूँ। और तभी उनकी नजर देवानंद की कमीज पर गई। उन्होंने उसे देखा तो कुछ पहचानी से लगी। उन्होंने पूछा, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा सर पकाए, लेकिन बोले कि ये कमीज मेरे धोबी ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब, आप भी तो ये बताइए कि आपने अपनी ये कमीज कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में जवाब दिया कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों समझ गए थे कि वो एक दूसरे की कमीज पहने हुए हैं। फिर क्या था, दोनों ने जोर का ठहाका लगाया, एक दूसरे से गले मिले और हमेशा के लिए एक दूसरे के दोस्त हो गए। एक दिन गुरुदत्त ने वादा किया, देव, अगर कभी मैं निर्देशक बनता हूँ तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। देवानंद ने भी उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और तुम मेरे पहले निर्देशक होगे अगर मुझे कोई फिल्म प्रोड्यूस करने को मिलती है। देवानंद को अपना वादा याद रहा और नवकेतन फिल्म्स के बैनर पर जब बाजी बनाने का फैसला किया उन्होंने, तो निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने गुरुदत्त को सौंपी। बाजी फिल्म के दौरान गुरुदत्त की ऐसे कई लोगों से मुलाकात हुई जो उनसे ताउम्र जुड़े रहे। उनमें से एक थे इंदौर के बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जो बाद में जानी वाकर के नाम से मशहूर हुए। वो बस कंडक्टर की नौकरी करते थे और फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करते थे। बलराज सहनी ने उन्हें गुरुदत्त से मिलवाया। वो जानी वाकर से इतने प्रभावित हुए कि गुरुदत्त ने उनके लिए खास तौर से रोल लिखवाया। हालांकि तब तक बाजी आधी बन चुकी थी। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात गायिका गीता राय से हुई और उन्हें उनसे प्यार हो गया। उस समय गीता राय एक पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थी। गुरुदत्त से शादी के बाद वो गीता दत्त के नाम से मशहूर हुई। गुरुदत्त को कोलकाता से खास प्यार था। उनका बचपन वहीं गुजरा था। जब वो कोलकाता जाते थे तो वहाँ के गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झालमुड़ी जरूर खाते थे। एक बार उन्होंने देखा कि चारखाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाज लगा रहा है। वहीं से एक किरदार ने आकार लिया उनके जहन में। खास तौर से उन्होंने गाना लिखवाया, सर जो तेरा चकराए, और फिर वो गाना जानी वाकर पर फिल्माया गया। इसी तरह एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिल लुधियानवी की एक नज्म को अपनी फिल्म में शामिल करेंगे। अब रिकॉर्डिंग की रिहर्सल का समय तय हो गया। मोहम्मद रफी पहुंच गए थे, लेकिन संगीतकार एसटी बर्मन अभी तक नहीं पहुंच पाए थे। तो गुरुदत्त ने मोहम्मद रफी से कहा कि आप बिना संगीत के इस नज्म को गुनगुना दीजिए। मोहम्मद रफी ने उस नज्म को बिना साज के ही गाया। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया और फिर अपनी फिल्म प्यासा में हूबहू उसका इस्तेमाल किया। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर खराब थी, लेकिन सीन वास्तविक नजर आया। किसी भी निर्देशक के लिए तीन बातें महत्वपूर्ण होती हैं, लाइट, कैमरा और एक्शन। लेकिन कम लोग ही इसकी कलाकारी को समझ पाते हैं। फिल्मों में खामोशी भरे दृश्य को भी लाइट और कैमरा की मदद से सफल बनाने वाले गुरुदत्त पहले ऐसे निर्देशक थे जिन्होंने दर्शकों को फिल्मों की बारीकियों से रूबरू करवाया। गुरुदत्त के भीतर जिद और एक अजीब सी बेचैनी रहा करती थी, जैसे उनकी जिंदगी किसी तलाश में गुजर रही हो। कोई भी चीज उन्हें लगातार चैन नहीं लेने देती। ये बेचैनी और संवेदनशीलता उनके साथ साथ हमेशा रही। गुरुदत्त को
ऊपर वाले ने सब कुछ दिया था पर संतुष्टि नहीं दी थी। कुछ लोग कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते, जो चीज़ उन्हें जिंदगी नहीं दे पाती फिर वो उसकी तलाश मौत से करते हैं और गुरुदत्त में भी अब बचने की चाह नहीं रही। 10 अक्टूबर 1964 की सुबह गुरुदत्त पेडर रोड में अपने घर में मृत पाए गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पहले खूब शराब पी, इसके बाद ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली। यही दुर्घटना उनकी मौत का कारण बनी। इससे पहले भी उन्होंने 2 आत्महत्या का प्रयास किया था। आखिरकार इस बार उनकी जान चली गई और नर्तक, लेखक, कोरियोग्राफर से लेकर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता तक की अपनी विविध रंगी यात्रा को विराम देकर वो अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइट इंक एंटरटेनमेंट।